नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के बारे में। बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स की। एरिया की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का पूरा एरिया है 114 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के हिसाब से चंडीगढ़ लक्षद्वीप के बाद इंडिया की दूसरी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 10,55,000 अप्रॉक्सीमेटली। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ इंडिया की 31st रैंक की यूनियन टेरेटरी है। लिटरेसी रेट है यहाँ का 86.43%, और लिटरेसी रेट के हिसाब से चंडीगढ़ 9th रैंक पर स्टैंड करती है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में बोली जाती है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज। व्हीकल कोड यहाँ का है CH चंडीगढ़। अल्कोहल यहाँ अलाउड है। फेमस फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ का फेमस फूड जो है वो है नॉर्थ इंडियन कुजीन। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ का है बैसाखी। इकोनॉमी यहाँ पर बेस्ड है टोटल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और IT इंडस्ट्री के ऊपर। एयरपोर्ट यहाँ पर है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और रेलवे स्टेशन है दैट इज़ चंडीगढ़ जंक्शन। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेट के बारे में। चंडीगढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है, चंडी और गढ़। चंडी रेफर करता है हिंदू गॉडेस चंडी माँ, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट यानी कि किला। चंडीगढ़ नाम लिया गया है चंडी मंदिर से। चंडीगढ़ इंडिया का दूसरा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप के बाद। चंडीगढ़ एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक यूनियन टेरिटरी है और एक राजधानी है। चंडीगढ़ भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ये एक यूनिक सिटी है बिकॉज चंडीगढ़ ना पंजाब और ना ही हरियाणा का हिस्सा है। चंडीगढ़ का बॉर्डर नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में पंजाब से सटा हुआ है और ईस्ट में हरियाणा से सटा हुआ है। चंडीगढ़ इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली से 260 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चंडीगढ़ इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब दो भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट पंजाब जो कि इंडिया का हिस्सा था और वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा था। इंडिया के पंजाब को एक कैपिटल की ज़रूरत थी क्योंकि पुरानी कैपिटल लाहौर बन गया था जो पाकिस्तान में था। 1949 में अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर को एक नया शहर डिज़ाइन करने का काम दिया गया जिसे चंडीगढ़ कहा जाएगा। चंडीगढ़ 1960 में बनकर तैयार हुआ था, तब तक शिमला ईस्ट पंजाब की कैपिटल थी। बात कर लेते हैं अब चंडीगढ़ हम पहुंचेंगे कैसे। चंडीगढ़ देश की राजधानी से महज 260 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है, तो यहां पर पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चंडीगढ़ बाई एयर या बाई ट्रेन आया जा सकता है। बाई रोड की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 1 चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। चंडीगढ़ घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच का, जिस टाइम पर वेदर सिटी टूर के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है और गर्मी काफ़ी कम होती है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जहां विजिट किया जा सकता है चंडीगढ़ में। पहला, रॉक गार्डन। एलेंट मॉल। सुखना लेक।
चंडीगढ़ रोज गार्डन, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, पंजाब यूनिवर्सिटी, जापानीज गार्डन, बात कर लेते हैं अब कुछ यूनिक चीज स्टेट के बारे में। चंडीगढ़ भारत का पहला डिजाइंड सिटी है। चंडीगढ़ एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक यूनियन टेरिटरी और एक राजधानी है। चंडीगढ़ भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ये एक यूनिक सिटी है क्योंकि चंडीगढ़ ना पंजाब और ना ही हरियाणा का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।